सरकार के माननीय उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी, माननीय MLC संजय मयूख जी, संजीव दयाल जी रीजनल डायरेक्टर RBI पटना, BIS के डायरेक्टर हेड सुमन कुमार गुप्ता जी, BIA के वाइस प्रेसिडेंट अरविंद कुमार सिंह जी, प्रदीप कुमार जी जो MSME के वर्तमान में डायरेक्टर हैं DI के और उद्योग विभाग में बहुत दिनों तक अपनी सेवा दे चुके हैं, यहाँ सामने बैठे हुए इंडस्ट्री एसोसिएशन, महिला इंडस्ट्री एसोसिएशन और बहुत सारे स्टेक होल्डर, बैंकों के प्रतिनिधिगण, MSME का भारत के इकोनॉमी में और बिहार के इकोनॉमी में कितना बड़ा योगदान है, इसकी चर्चा सभी स्पीकर्स ने की है। और बिहार की अगर हम लोग बात करें तो अधिकांश जो यूनिट है वो MSME में आते हैं, और इसी के लिए कार्यक्रम आज चलाया जा रहा है सरकार का, जो डिफरेंट स्कीम्स हैं MSME DI के तरफ से, उन सब योजनाओं पर अभी चर्चा विस्तार में होगी। जहाँ तक मेरा डिपार्टमेंट का सवाल है, अभी मैं संजीव दयाल जी से बातें कर रहा था, RBI के जो रीजनल डायरेक्टर है, उनसे मैं यही कह रहा था कि बिहार में लैंड होल्डिंग का साइज कम है, तो जो गरीब आदमी है जिसके पास जमीन कम है, वो गाय पालता है, भैंस पालता है, या जो भी मुर्गी मछली जो अंडा जितना भी व्यापार करता है, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में भी आपका जो एक अलग प्रावधान है उसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोन दिया जाए, क्योंकि बैंकों के कैप्टन हैं, मॉनिटर आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो उसमें मॉनिटरिंग करके, हालांकि और फोरम है SLBC, उसमें जैसा कि माननीय मंत्री जी कह रहे थे, तो उसमें हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं, लेकिन प्रगति जितनी होनी चाहिए हो नहीं पाती है। अभी KCC का जो लोन है, आप जानते हैं, वो किसानों को दिया जाता है, KCC कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, अभी भारत सरकार के द्वारा अलग से ड्राइव चलाया गया था कि KCC उन लोगों के लिए जो कि इस व्यवसाय में जुड़े हैं, जो कि गाय बकरी भैंस अंडा मछली सब में है, उनका अलग से उनको दिया जाए KCC, और इतना अभियान चलाने के बाद, इतना मॉनिटरिंग करने के बाद भी प्रगति उसमें अच्छी हो नहीं पाई, इतने सारे आवेदन बैंकों में भेजे गए, लेकिन जो रिजल्ट है, जो सैंक्शन हुआ और उसके बाद जो डिसबर्समेंट हुआ, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि सभी स्टेक होल्डर यहाँ मौजूद हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, MSME के लोग हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बैंकों के जो कप्तान हैं, मॉनिटर यहाँ बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि आने वाले दिनों में हम लोग सभी लोग मिल करके प्रयास करें, और एक पोर्टल की चर्चा प्रदीप जी कर रहे थे कि इस पोर्टल में जिसको भी जो भी समस्या हो, चैंपियन पोर्टल में अपनी समस्या अपलोड करें, तो उसके बाद इनके द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी, और जो भी उससे संबंधित लोग हैं उनको बोल करके और आगे की उस पर अग्रतर और बेहतर कार्रवाई की जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में MSME सेक्टर है वो बिहार में और ग्रो करेगा, और जो हमारे डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जितने व्यवसाय हैं जिनसे गरीबों को डायरेक्ट फायदा हो सकता है, उसमें भी काफ़ी अच्छी प्रगति होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।